है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अलेक्स, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार टेक में। दोस्तों आज मैं बात करने वाला टीओसी फॉर्म कैसे फिल करते हैं, ठीक है। क्योंकि एनआरएस का ऑन डिमांड का फॉर्म भरते समय सबसे ज़्यादा अगर बच्चों को किसी पेज पे प्रॉब्लम होता है तो वो यही पेज है, सब्जेक्ट्स का टीओसी कैसे किया जाता है, कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम होता है ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को इसी पेज पे होता है सिलेक्शन करने में, ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे अपना टीओसी कर सकते हैं, ठीक है, और किस सब्जेक्ट का टीओसी करना चाहिए और किस सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है, और बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखिएगा अंत तक जरूर, क्योंकि ये फॉर्म फिल करने का सबसे मुश्किल पेज होता है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की गलती होता है, तो इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा बिना स्किप किए हुए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अप्लाई फॉर टीओसी यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो इस पे आप लोगों को क्या सिलेक्ट करना है, ये जानने से पहले आप लोग पहले ये समझिए कि टीओसी कहते किसको, ठीक है। टीओसी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, ठीक। तो ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट मीन्स कहने का अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने सीबीएसई से 5 सब्जेक्ट में एग्जाम दिया, ठीक है, जिसमें से उसके 3 सब्जेक्ट में आरटी आ गया लेकिन 2 सब्जेक्ट का नंबर बहुत ही अच्छा आया था, ठीक है। तो वो दोनों सब्जेक्ट का नंबर एनआईएस में ट्रांसफर हो जाता है इसी प्रोसेस के कारण, ठीक है। तो ये प्रोसेस करना बहुत जरूरी होता है अगर चाहते हैं कि वो दोनों सब्जेक्ट का एग्जाम मैं ना दूँ फिर से 12th या 10th जो भी हो, और उसका नंबर मेरे एनआईएस में ट्रांसफर हो जाए, तो आप लोगों को ये करना चाहिए, यहाँ पर इसके लिए अप्लाई करना चाहिए, ये बहुत अच्छा होता है। टीओसी करने के बहुत फायदे हैं। अगर आप टीओसी के लिए अप्लाई करते हो तो एक तो आपका नंबर तो ट्रांसफर हो ही जाएगा, सेकंड उस सब्जेक्ट का आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, तो बहुत फायदा है यार। तो आप लोगों को यस करना ही चाहिए, ठीक है, तो इसको यस कर देना, ठीक है। आप यहाँ पर पूछ रहा है कि सेलेक्ट द बोर्ड फ्रॉम विच यू अपेयर्ड, तो इन्होंने सीबीएसई से एग्जाम दिया था, ठीक है, तो चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, सीबीएसई मैंने सेलेक्ट कर लिया। ईयर यू अपेयर्ड मतलब इन्होंने 2023 में 12th का एग्जाम दिया था सीबीएसई से लेकिन इनका 3 सब्जेक्ट में आरटी आ गया, मतलब कंपार्ट लगा हुआ है रिजल्ट में, ठीक है। तो ये अपना कंपार्ट हटाने के लिए एनआईएस का ऑन डिमांड फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, और फॉर्म अप्लाई करने का जो सबसे जो महत्वपूर्ण डिटेल्स होता है ना, यही डिटेल्स को फिल करने में होता है, क्योंकि यार बेसिक डिटेल तो सही फिल कर लेते, ऑप्शन डिटेल्स एग्जाम तो सभी फिल कर, लेकिन सब्जेक्ट का सिलेक्शन करने में बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड मुझे बहुत सारे कमेंट आते रहते थे कि सर मेरे टीओसी अप्लाई करने में गलती हो गया, सब्जेक्ट सिलेक्शन में गलती हो गया, क्योंकि उनको पता नहीं होता था और कर देते थे। तो इन्हीं सब के चलते मैंने सोचा चलो यार इस पे एक अच्छा से वीडियो बनाकर बच्चों को समझा दिया जाए, ताकि उनको अच्छे से ये प्रोसेस समझ जाए और उनका गलती फॉर्म भरते हुए ना हो, ठीक है। तो चलिए 2023 में अप्लाई किए थे और इनका रोल नंबर फिल कर देना है, रोल नंबर इनका फिल कर देता हूँ। जैसे इनका रोल नंबर फिल करता हूँ, यहाँ पर अब नीचे आइए, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या फिल करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेलेक्ट सब्जेक्ट 1, ठीक, 2, 3, 4, 5, 6, 5 तक। सीबीएसई से इन्होंने 5 सब्जेक्ट में एग्जाम दिया है जिसमें से इनके 3 सब्जेक्ट में आरटी आ गया और 2 सब्जेक्ट में इनके बहुत अच्छे नंबर आए, ठीक है। तो जिन सब्जेक्ट में इनके बहुत अच्छे नंबर आए और जिनको टीओसी इनको करवाना है, इनको ऊपर रखना है, ठीक है, और जिनको एग्जाम देना है, जिनको टीओसी नहीं कराना है, उनको 3 से 5 तक में अंदर में रखना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे रखना है। जैसे सेलेक्ट सब्जेक्ट 1, ठीक है, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पर हिंदी रखना है, ठीक है, हिंदी में इसको टीओसी करवाना है क्योंकि हिंदी का एग्जाम इनका बहुत ही अच्छा गया था। इस पर हम लोग यस पे क्लिक कर देते हैं। इनको थ्योरी में आया था 65 और प्रैक्टिकल में आया था 18, तो इनका हिंदी में बहुत ही अच्छा नंबर आया था। ये चाहते हैं कि वो टीओसी करवाना और ताकि इनको एग्जाम फिर से हिंदी का ना देना पड़े एनआईएस में, ठीक है। और सेकेंड जो है वो है इनका इंग्लिश, इंग्लिश का भी एग्जाम इनका बहुत अच्छा गया है और इनको इंग्लिश में भी टीओसी करवाना है, तो इसको भी यस कर देते हैं। थ्योरी में इनका आया था 50 और प्रैक्टिकल में इनका था 16, ठीक है। अब जो 3 सब्जेक्ट जब डालूंगा ना, ये तीनों सब्जेक्ट में उनका आरटी आया हुआ है, हो सकता है आपके 2 ही सब्जेक्ट में आरटी है, लेकिन आप मैक्सिमम जो है ना 2 ही सब्जेक्ट का टीओसी कर सकते हो, अब 3 सब्जेक्ट का टीओसी नहीं कर सकते, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका 2 सब्जेक्ट में आरटी आया होगा, लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं 3 सब्जेक्ट का टीओसी कर लूँ, तो ऐसा नहीं होगा, मैक्सिमम 2 ही सब्जेक्ट का टीओसी होगा, 3 सब्जेक्ट का एग्जाम तो कम से कम आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए थर्ड सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। थर्ड सब्जेक्ट जो इनका था वो था इकोनॉमिक्स, इस पर क्लिक करते हैं। टीओसी पे नो कर दूंगा क्योंकि अब 2 ही सब्जेक्ट का मैक्सिमम टीओसी होगा और तो टीओसी होगा नहीं। थ्योरी में इनका आया था
टेन प्रैक्टिकल में आया था 16, ठीक है। फोर्थ जो इनका सब्जेक्ट था वो था बिजनेस स्टडी, तो हम लोग चलिए बिजनेस स्टडी पे क्लिक करते हैं। बिजनेस स्टडी में भी टीओसी नहीं करवाना है इनको, क्योंकि इनका आरटी आया हुआ है, और थ्योरी में इनका आया है 5, प्रैक्टिकल में है इनका 16। फिफ्थ जो सब्जेक्ट है इनका है अकाउंट्स का, चलिए अकाउंट्स में सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये रहा अकाउंट्स का। इसमें भी टीओसी नहीं होगा, और थ्योरी में इनका आया था 8, प्रैक्टिकल में इनका आया है 16, ठीक है। पांच ही सब्जेक्ट था और पांच सब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया। आप लोगों को इसी तरह से सेलेक्ट करना है, ठीक है। आप लोगों को जिस सब्जेक्ट में टीओसी कराना है उसको ऊपर रखना है, देख सकते हैं जिसमें 2 यस यस कर दिया है, मतलब इनका नंबर हिंदी और इंग्लिश का एग्ज़ाम इनको एक तो देना नहीं पड़ेगा, और दूसरा इनका जो सीबीएसई का जो नंबर आया ना वो ट्रांसफ़र हो जाएगा एनआईओ उसमें, ठीक है। तो टीओसी करवाने के बहुत फ़ायदे होते हैं, ठीक है। और ये जो इकोनॉमिक्स से लेकर अकाउंट्स तक है ना, ये 3 सब्जेक्ट इनका, इनको एग्ज़ाम देना है क्योंकि इनका तीनों सब्जेक्ट में आरटी आ गया है। मान लीजिए कि आपका 2 ही सब्जेक्ट में आरटी है, लेकिन फिर भी आपको 3 सब्जेक्ट में एग्जाम देना पड़ेगा अगर आप लोग टीओसी करवाते हैं तो, ठीक है। ये सब फिल कर देने के बाद चलिए थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं, आपके सामने कुछ ऐसा आएगा, सब्जेक्ट चुनने का आएगा, तो ठीक है। इसमें वो सब्जेक्ट चुनना है आपको जिसका एग्ज़ाम आपको देना है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश का इनको नहीं देना क्योंकि उन्होंने टीओसी के लिए यस किया है, लेकिन इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडी और अकाउंट्स का एग्ज़ाम इनको देना है, तो वही तीनों सब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो चलिए इस पर क्लिक करके सबसे पहले तो इनका था इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। थोड़ा ढूंढने में हो सकता है थोड़ा तकलीफ़ हो जाए, सो लेकिन मिल जाएगा आपको सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेकंड जो है वो है, सेकंड जो इनका था जिनको एग्ज़ाम देना है वो है बिजनेस स्टडी। थर्ड जो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम इनको देना है वो देख सकते हैं यहाँ पर अकाउंट्स का, ठीक है। लेकिन मान लीजिए ना कि जिस सब्जेक्ट में मैंने टीओसी किया है ना उसको सेलेक्ट करके देखते क्या मैसेज आता है। जैसे मैंने हिंदी और इंग्लिश में टीओसी कर रखा है, अगर मैं हिंदी सेलेक्ट करूँगा ना तो यहाँ पर एक टॉपअप आएगा कि यू हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड दिस सब्जेक्ट इन टीओसी, मतलब कि आपने पहले से ही इस सब्जेक्ट के लिए टीओसी के लिए यस कर रखा है, तो आप लोग इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो आप लोग गलत भी सेलेक्ट करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर सेलेक्ट होगा नहीं। तो चलिए मैं अकाउंट से सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ सेलेक्ट हो गया, क्योंकि यही तीनों सब्जेक्ट ऊपर भी भरा था और यही तीनों सब्जेक्ट मैंने नीचे भी एग्ज़ाम देने के लिए भरा। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट कर देना, ठीक है। तो आप लोग इसी तरीके से अपना फॉर्म फिल करिएगा, ठीक है। जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर आप कुछ नहीं समझ में आता है तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा पीछे करके आगे पीछे जो करना पड़े करके ऐसे ही फिल करिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पेज है टीओसी का फॉर्म फिल करते वक्त ध्यान देना, ठीक है। और आपको एक बात और बता दूं कि जैसे ही आप लोग टीओसी फॉर्म फिल करते हो ना, तो आपको विथिन 10 to 15 days एडमिशन के लोगों का ना ओरिजिनल फील्ड वाला सीबीएसई का जो फील्ड मार्कशीट है ना वो एनआईओएस के हेडक्वार्टर में भेजना पड़ता है आपके एडमिशन स्लिप के साथ, ताकि वो आपका जो नंबर है ना टीओसी के लिए जो अप्लाई किए वो ट्रांसफ़र कर सके एनआईओएस के, और वो वाला कैंसिल करके आपको नया मार्कशीट दे सके, ठीक है। इसी के लिए भेजना बहुत ही ज़रूरी होता है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यार आप लोग वीडियो देख के चले जाते हैं यार, थोड़ा सपोर्ट दिखाइए ताकि आपको सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आप ही का फायदा है, ताकि एनआईओएस से रिलेटेड कोई भी अगर न्यू अपडेट आता है तो वो आपसे मिस ना हो जाए, ठीक है। तो आप ही लोग का फायदा है यार, आप ही लोग के वीडियो बनाता हूँ, तो यार सपोर्ट दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।